प्रियंका गांधी एक तो सियासी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस घोषणा के साथ ही दशकों के इंतजार पर विराम लग गया है। अभी देखना बाकी है कि वायनाड में कब उपचुनाव होता है, वहां के मतदाता किसे अपना सांसद चुनते हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दो दिन से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की बात हो रही है, हो भी क्यों ना। प्रियंका गांधी एक तो सियासी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और दूसरा प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कब कदम रखेंगे इसका इंतजार आज से नहीं बल्कि दशकों से था। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस घोषणा के साथ ही दशकों के इंतजार पर विराम लग गया है। 4 जून को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से विजेता घोषित किए गए तभी ये तय हो गया था कि उन्हें एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। सोमवार की शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। प्रियंका गांधी ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा, मैं वायनाड के लोगों को अपने भाई की अनुपस्थिति का एहसास नहीं होने दूंगी। प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसी ही बात रायबरेली के लिए कही थी। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ाने के कांग्रेस के फैसले को राष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषक कैसे देखते हैं, चलिए आज इस पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी पर दशकों से गहरी नजर रखने वाले कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना हैरान नहीं करता है। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि सवाल था कि कब चुनाव लड़ेंगी, ना कि इसमें अगर का सवाल था। अगर दोनों भाई बहन अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते तो बड़ी बात होती जैसा कि कहा जा रहा था, लेकिन चुनाव में प्रियंका ने राहुल गांधी के लिए रायबरेली में मोर्चा संभाल रखा और राहुल पूरे देश में फ्री होकर कैंपेन कर सके। 2020 में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के तहत महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपने मिशन की शुरुआत की। कई लोगों ने इसके लिए उनकी तारीफ भी की लेकिन कांग्रेस को चुनाव में इसका खास फायदा नहीं हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2.3% ही वोट मिले और वो सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को प्रियंका ने जिस तरह से हैंडल किया उसकी भी कई राजनीतिक जानकारों ने आलोचना की। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चुन्नी को सीएम बनाने के फैसले के पीछे जानकारों ने प्रियंका गांधी को जिम्मेदार बताया। उनकी राय में ये फैसला कांग्रेस के लिए बिल्कुल गलत साबित हुआ। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि राजस्थान में भी प्रियंका गांधी ने ऐसा ही किया था। वहां जब सचिन पायलट बगावती तेवर दिखा रहे थे तब भी उन पर कोई कार्रवाई न होने का नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा। प्रियंका रायबरेली से क्यों नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली दोनों को ठीक से समझती हैं। अब ऐसे में राहुल ने वायनाड को ही अपने पास क्यों नहीं रखा और प्रियंका रायबरेली से क्यों नहीं मैदान में उतरी। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि रायबरेली में प्रियंका के अनुभव को देखते हुए एक बार ऐसा सोचा जा सकता है कि उन्हें यहाँ की सीट देनी चाहिए और राहुल गांधी के पास वायनाड रहने देना चाहिए। अब उनका कहना है कि पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी ही पार्टी का चेहरा है और इसलिए वो पूरे उत्तर प्रदेश से दूर नहीं जा सकते, खासकर तब जब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। राजनीतिक विश्लेषक और कई ऐसे पत्रकार हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये सुनियोजित फैसला है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया और बीजेपी को जिस तरह से नुकसान हुआ उसे देखते हुए पार्टी संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश को कितना महत्व देती है। इसके अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच का जो स्पष्टीकरण सामने आया है उसकी अहमियत को भी कम करके नहीं देखना चाहिए। दोनों की आपसी समझ और समीकरण से दोनों पार्टियों को फायदा हुआ है। हाँ, पहले ऐसा लगता था कि राहुल अपने पास वायनाड ही रखेंगे, खासकर तब जब प्रियंका गांधी रायबरेली में ज्यादा सक्रिय थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं 2019 में यूपी से कांग्रेस को केवल रायबरेली से सोनिया गांधी को जीत मिली। 2014 में यूपी में कांग्रेस 2 सीटें अमेठी और रायबरेली जीत पाई थी। इस बार राहुल गांधी को रायबरेली में 3,90,000 से ज़्यादा मतों से जीत मिली है और वायनाड में 3,64,000 से ज़्यादा मतों से। वायनाड में प्रियंका की उम्मीदवारी के मायने क्या हैं? क्या वायनाड में चुनाव प्रियंका के लिए जीत बहुत आसान है? अब विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी देखना बाकी है कि वायनाड के लोग प्रियंका के मामले में किस तरह के सामने आते हैं।
वायनाड में मतदान के बहुत दिनों बाद तक भी राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात नहीं बताई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि वायनाड के लोग राहुल के फैसले को धोखे के रूप में लेते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं। हालांकि प्रियंका ऐसा नहीं होने देंगे और चुनावी नतीजे को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकती हैं। प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व पर यहाँ लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा व्यवहारिक है। राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी की भाषा ज़्यादा सहज है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राहुल का 5वां लोकसभा चुनाव है और प्रियंका गांधी के लिए पहला। राहुल गांधी भविष्य के नेता हैं, इसीलिए कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है, अगर प्रियंका 18वीं लोकसभा में दस्तक देती है तो ये उनके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा, खासकर तब जब उनकी माँ सोनिया गांधी राज्यसभा में है। संसद में प्रियंका गांधी पर लोग बहुत करीबी से नजर रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह संसद में अपने भाई की परछाई में रहेंगी। कुछ और खबरों की माने तो ये तय था कि राहुल गांधी रायबरेली ही सीट अपने पास रखेंगे। रायबरेली बन रहे रहने को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर जिंदा करने से जोड़कर देखा जाता है। 2014 के बाद से बीजेपी ने यूपी में जो चाहा वो किया, क्योंकि इसे खुली छूट मिली हुई थी। अब यूपी में ये स्थिति बदल गई है और कांग्रेस ने यहाँ ठोस शुरुआत की है। पहले कांग्रेस यूपी में राज करने वाली एक पार्टी थी और उसकी सवर्णों दलितों के साथ अल्पसंख्यकों में अच्छी पैठ थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की मजबूती समाजवादी पार्टी बीएसपी और बीजेपी में बटती गई। आखिरकार कांग्रेस की मौजूदगी में यूपी में ना के बराबर रही। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को अब किनारा बनाने की जरूरत है, इसके लिए कांग्रेस को यूपी में एक सामाजिक समीकरण तैयार करना होगा। कांग्रेस इसी के दम पर सभी जिलों और फिर प्रदेश के बाद देश में जगह बना पाएगी। कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा हुई है और उसके पास फिर से मजबूती हासिल करने का मौका है। कांग्रेस की मजबूती समाजवादी पार्टी के साथ भरोसेमंद और ठोस साझेदारी की गारंटी दे सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अच्छी समझ न केवल शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर है, बल्कि मतदाताओं ने भी स्वीकार किया है और दोनों पार्टी एक दूसरे की तारीफ कर रही है। तो ऐसे समय में जब प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी शुरू करने जा रही है, ऐसे में एक बार फिर गांधी परिवार के राजनीतिक रोल को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। 11 जून को मंत्रिमंडल गठन पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब प्रियंका गांधी की चुनावी मैदान में एंट्री पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने कहा कि कदम दिखता है कांग्रेस में कितना गहरा परिवारवाद है। वो कहते हैं, माँ राज्यसभा में, बेटा लोकसभा में, और पार्टी का यह फैसला ये दिखाता है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार द्वारा संचालित कंपनी है। हालांकि कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। रायबरेली से गांधी नेहरू परिवार की जड़ों का जिक्र करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि रायबरेली का गांधी परिवार से संबंध फिरोज गांधी से लेकर राहुल गांधी तक है। ऐसे में तय है कि राहुल रायबरेली से ही सांसद रहेंगे और कुछ लोग वंशवादी होने का सवाल उठाएंगे, लेकिन वो लोकतांत्रिक वंशवादी हैं। जनादेश की जरूरत पड़ती है और इस तरह की आलोचना को बहुत बल नहीं मिलता। दिलचस्प है कि एक समय में गांधी परिवार के दक्षिण भारत की सीट किसके लिए रायबरेली सीट छोड़ दी थी। इंदिरा गांधी 1980 में रायबरेली से जीती थी और उन्होंने आंध्र प्रदेश की मेडक सीट के लिए यहां से इस्तीफा देने का फैसला किया था। इसके बाद रायबरेली सोनिया गांधी आई और अब राहुल गांधी। अभी देखना बाकी है कि वायनाड में कब उपचुनाव होता है और वहां के मतदाता किससे अपना सांसद चुनते हैं। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।